देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है काली कलोच कौन बनेगा रोडपति। और आज हॉट सीट पर बैठे हैं एक लड़का जिसका नाम है बाबूराव ताटकर। बाबूराव तो आप जानते होंगे किससे कहते हैं। एनीवे, चले बाबूराव से बात करते हैं। बाबूराव जी, आप करते क्या हैं? चाकरी करता हूँ। हो, काफी दिलचस्प किस्म का आवारापन है आपका। क्या बात है, चाकरी करते हैं ये तो बोले मातर के। और कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी क्या चल रही है, बचपन में था स्कूल में टीचर ने गांड, और जवानी में एक लड़की से प्यार हुआ, उसके बाप ने गांड मारी। काफी दर्द हुआ होगा। उसके बाद जब जॉब ढूंढने गया वहाँ जॉब करना पड़ा। मतलब मुंह पड़ा आपको? हाँ जी। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो दोस्तों ने गांड मारी। सर, लेकिन आपसे गुजारिश है, इस शो में आप मेरे मत मारो। देखिए, यहाँ पर लोग गांड मारने के लिए नहीं आते, यहाँ पर लोग पैसे जीतने आते हैं। तो आपका पहला सवाल, क्या आप तैयार हैं? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। वो तो समझ रहा आपकी बचपन की कहानियां सुनकर कि आप हमेशा तैयार रहते हैं। आदत सी हो गई है। आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल में ही आपका लगने वाला है। पहला सवाल आपके लिए है, बाबूराव जी, बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ देखकर लोग अक्सर क्या कहते हैं? ए, कितना बड़ा है। बी, कितना चौड़ा है। सी, काफी बड़ा है। या फिर डी, ये मेरा बगीचे का लौड़ा है। डी, ये मेरे बागीचे का लौड़ा है। क्या बात है, सही जवाब। बात डाली आपने पहले सवाल में। कान मराते मराते इतना तो पता ही चल गया है के बारे। वाह वाह, हम चाहते हैं कि आप के बाल हमेशा सुरक्षित रहे। आपका अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अफसोस, समय समाप्त की घोषणा। इस घंटी ने भी आपकी गांड मारी। आखिरकार आपने भी मेरी गांड मार ही दी। मैंने नहीं, इस घंटी ने, क्योंकि क्या करें भाई, लगता है कि आप वाकई एक बहुत अच्छे गड्ढू हैं। कोई बात नहीं, हम आपके साथ फिर से खेलेंगे कल इसी समय इसी जगह पर। गाली गलौज कौन बनेगा रोडपति, तब तक के लिए आप आराम कीजिए, और जाने से पहले शायद ही आपकी मदद कर सकें। आपके लिए एक मुहावरा याद रखिए, जिंदगी में आप में जितने भी बड़े हो हमेशा लड़के नीचे रहते हैं। अनुपम खैर, शब्बा खैर, मारो, गुड नाइट।